हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरीटेलर अनन्या आ गई राधिका और देविका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था जहाँ राधिका अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वहाँ पे देविका उसको प्रपोज करने की सोचती है। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या रंग लाता है ये स्टोरी। अमन के कॉल कटने के बाद राधिका तो एकदम इतनी ज़्यादा शाय हो रही होती है ना, कॉल करने के बाद भी बस उसी फ़ोन को देखी जा रही होती है, किस किए जा रही होती है, बिन वजह की शर्म हो ही जा रही होती है। और सोचती हूँ मैं इतना क्यों शाय फील कर रही हूँ, मैं इतनी ब्लश क्यों कर रही हूँ भाई। कितना रोमांटिक होता है यार रिलेशनशिप अमन के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद, तो यार मेरी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा औसम हो गई है, बहुत 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 ज़्यादा औसम। आई लव यू सो मच ऐसे बोल के वो किस करने लगती है और मतलब उस फ़ोन को ना टाइटली हक कर लेती है। दूसरी तरफ देविका की आंखों में तो नींद ही नहीं होती, वो सोच रही होती कि वो क्या करे, ऐसा क्या करे। वो नेहा को कॉल करती है तो नेहा कॉल उठा के बोलती है कि सो जाना यार देविका, क्या है यार तेरे आंखों में नींद नहीं क्या। तो देविका बोलती है कैसे होगी नींद यार, कल तुझे पता है ना कितना बड़ा दिन है मेरे लिए। तो नेहा बोलते ये कल सुबह उठ के कर लेंगे ना, तुम क्यों इतना ज़्यादा मेरी नींद ख़राब कर रही हो। तो देविका बोलती यार मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो नेहा बोलते बेब्स तुम मेरा नींद क्यों ख़राब कर रही हो यार, प्लीज़ सोने दो, आई बेग यू प्लीज़। ऐसे बोल के वो फ़ोन पकड़ के सो जाती है। देविका बोलती नेहा नेहा वेकअप नेहा नेहा बताओ यार क्या करूँ मैं, नेहा हेलो नेहा नेहा। पर नेहा तो घड़े गोदे बेच के वहाँ पे सो चुकी होती है। तो देविका कॉल काट देती है और बोलती है कि अब क्या करूँ मैं, क्या ही करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे बोल के फ़ोन को ऐसे पटक रही होती है। तो उसकी मम्मा आती कि देविका, तो ये सुन के देविका एकदम से शॉक हो जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती कि क्या हुआ, कोई टेंशन है। तो देविका बोलती है मम्मा आप ऐसे कांपने लगती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बच्चा आप ठीक हो, आपको बुखार उखार तो नहीं है ना। तो देविका बोलती है कि नहीं 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 बुखार बुखार नहीं है मम्मा, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा आप इतना घबरा क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो देविका बोलती है कुछ नहीं नहीं मम्मा कुछ 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 भी नहीं हुआ, आप बेकार में टेंशन ले रही हो मम्मा, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे बोल के फ़ोन को पीछे छुपाने लगती है। तो उसकी मम्मा देखती है बोलते कि कुछ चल रहा है क्या, तुम मुझे शेयर करना चाहती हो बट कर नहीं पा रही हो। तो देविका बोलती क्या चल गया मम्मा, कुछ भी तो नहीं। ऐसे इतनी ज़्यादा शिविर होने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ती और बोलती कि देवी तुम्हारे लाइफ में कोई है क्या। तो ये बात सुन के ना देविका का और ज़्यादा हाथ पैर कांपने लगते और बोलते कि नहीं है मम्मा, आपको 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 ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लाइफ में कोई 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 नहीं है मम्मा, कोई कोई नहीं है। तो उसका ना हाथ पकड़ के मम्मा बोलती कि बच्चा मैं तुमको पैदा की हूँ, तुम मेरी मम्मा नहीं हो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, और तुम्हारे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स है भी ना तो उसको यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम भूलो मत, तुमको कुछ बनना है, तुमको कुछ करना है। जो लोग हमें अकेला छोड़ दिए है ना यहाँ पे दर दर के ठोकरे खाने के लिए जस्ट बिकॉज तुम पैदा हुई, सो उनको हमें प्रूव करना है कि मेरी लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, उसको ना बुलंदियाँ छूना है। तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में बच्चा अगर आप पड़ गई ना तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा बच्चा। अब आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कामयाबी की सारी 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 बुलंदी छूगी। तो देविका बोलती है कि मम्मा आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ करूँगी, आई लव यू मम्मा, और मुझे आपके लिए बनना है, कुछ बनना है। तो उसकी मम्मा बोलती नहीं मेरे लिए नहीं, अपने लिए, खुद को स्ट्रांग करने के लिए तुम्हें कुछ बनना ही पड़ेगा, फिर तुमको जिससे प्यार हो जैसे प्यार हो मुझे बोल देना, मैं खुद जाके तुम्हारा रिश्ता उनके लिए लेके जाऊंगी और उनका हाथ मांगूंगी तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे के लिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा राजकुमार आएगा। ऐसे बोल के उसकी बलाएँ लेने लगती है। तो उसकी मम्मा उसको जैसे ही हक कर लेती है ना, देविका उनको हक करता हुआ सोचती है कि मम्मा बट आपकी बेटी का तो राजकुमारी पसंद है, और मुझे नहीं पता वो राजकुमारी को आपकी राजकुमारी पसंद है कि नहीं, बट कल पता चल जाएगा मम्मा, एंड आई एम सॉरी, आई नो मुझे आपको बताना चाहिए बट मम्मा मैं खुद यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, क्लियर नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसे उसको उनको ना हक करके बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। तो उसकी मम्मा पीछे हटती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि बच्चा इट्स ओके रेस्ट कर लो, रात बहुत हो गई है। तो देविका को तो बिल्कुल सोने का मन नहीं होता, तो बोलती है मम्मा बस 5 मिनट हाँ ये थोड़ा सा काम है मैं ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं सो जाऊँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है पर जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना भी होता है ना, क्लास है तुम्हारा। तो देविका बोलती है हाँ मम्मा मम्मा मम्मा। तो उसकी मम्मा पीछे मुड़ के बोलती क्या क्या हुआ बच्चा। तो बोलती कि
मम्मा कल वो जो हमारे घर पे आई थी ना राधिका, तो बोलते कि हाँ राधिका वो तो बहुत सी बच्ची है, इतने बड़े घर के भी हो कि भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं, क्या हुआ उसको, ठीक है ना वो। तो दीपिका बोलती मम्मा कल कल उसका बर्थडे है, तो बोलते कि अच्छा, तो कुछ अच्छा सा तोहफा लेके जाना, मैं तुमको पैसे दे दूंगी जाते टाइम। तो दीपिका बोलती मम्मा पैसे है मेरे पास, पर बात बात वो नहीं है मम्मा। तो बोलते कि फिर क्या बात है बच्चा। तो बोलते कि मम्मा उसका बर्थडे क्लब में है और उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है मम्मा आने के लिए। तो क्लब का नाम सुन के उसकी मम्मा थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो बोलती कि मम्मा 10 बजे से पहले 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 चले आएंगे आएंगे मम्मा, आप टेंशन मत लो, नेहा भी है, बाकी बाकी सारे फ्रेंड है, और मम्मा मैं कोई कोई गलत चीज़ें नहीं करूँगी मम्मा, मम्मा प्रॉमिस, आप प्लीज़ 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 मुझे जाने की परमिशन दीजिए ना। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है, मुझे अपनी बेटी पे पूरा ट्रस्ट है, जाओ इन्जॉय कर। हाँ, और हाँ वहाँ पे पैसा है ले लेना, कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दे देना, बहुत अच्छी बच्ची है वो। तो ये सुन के ना अब देविका को भी परमिशन मिल चुकी होती है क्लब जाने की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्टेस्ट बेस्टेस्ट मम्मा, और हग करके ना उनको बहुत सारे किसेस करती। तो उसकी मम्मा बोलती कि हाँ हाँ बस हो गया, बहुत मम्मा को लाड़ हो गया, जाओ अब सो जाओ। मम्मा बोलती बस थोड़ी देर, उसकी मम्मा बोलती हाँ तुमको थोड़ी देर बस सोनी है, मुझे तो सोनी है, मुझे सुबह उठ के काम पे भी जाना है। तो वो उसकी मम्मा को और टाइटली हग करती है, बोलती मम्मा बस कुछ दिन और, एक बार मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाए ना देखना, मैं आपके कदम ना नीचे भी नहीं रखने दूंगी। तो उसके मम्मा बोलते हाँ बेटा मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत कामयाब बने, बट अभी तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना मिलके, तो चलो आपकी मेहनत आप करो, मैं जाती हूँ सोने, सुबह मुझे भी मेरी मेहनत करनी है। और उसकी मम्मा चली जाती है सोने, तो देवी का एकदम स्माइल करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और बार बार फ़ोन में ना उसके वॉलपेपर ही देवी राधिका का पिक होता है, जो कि वो घर आते ही चेंज कर लेती है राधिका का पिक, और ऐसे ओपन कर करके ना इसे देख रही होती है। सो उसको ना फिर याद आता है कि वो फेक अकाउंट से आई गेस उसको उसके चैट करना चाहिए, और 12 बजने ही वाले होते। तो देविका अपने रियल अकाउंट से तो इतनी शाय होती कि उसको वो मतलब कुछ कर ही नहीं सकती। एक टैक्स करने से भी वो डरती है, तो वो अपना रियल अकाउंट को स्वाइप करके ना फेक वाला अकाउंट खोलती है, बोलती कि हे है आम सो गई क्या। तो वहाँ पे ना राधिका जो होती है ना एकदम बहुत खुश होकर फ़ोन को पकड़ी होती है, तो उसके फ़ोन में टिंग 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 करके ऐसे नोटिफिकेशन आ रही होती है। तो राधिका बोलती अब ये किसको क्या हो गया, मैं इतनी रोमांटिक मूड में हूँ, इतनी अच्छे मूड में, और ये कहाँ से आ गई यार डिस्टर्ब करने। ऐसे बोल के ना वो स्वाइप स्वाइप करने लगती है। तो ठीक 12 जैसे ही बजते हैं ना वहाँ पे मैसेज आती है, हे माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे, आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के उसको ना मैसेज कर देती है। तो राधिका जैसे ही आई लव यू सो मच वाला मैसेज देखती है वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि या क्या 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 भेज लिया, ऐसे बोल के ना तुरंत से नोटिफिकेशन पे क्लिक करती है और वहाँ पे लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस माई स्वीट हार्ट, आई लव यू सो 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 मच। तो ये मैसेज भेज तो देती है देविका, फिर सोच रही होती है अनसेंड कर दो, बट जितने जब तक वो सोच रही होती है कि अनसेंड कर दो तब तक तो मैसेज ऑलरेडी सेंड हो चुकी होती है। सो वो सीन हो चुकी होती, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अनसेंड करने का, क्या अरे भी तो क्या करे। वो एकदम घबराने लगती है, बोलती कि एकदम से रिप्लाई उसको देती है कि हनी मैं बस हैप्पी बर्थडे लिख रही थी, वो फ्लो फ्लो में चला गया, आई एम सॉरी, बस हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स योर बर्थडे ऑन ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो राधिका ये सीन देखती मैसेज और बोलती कि अच्छा गलती से चला गया, मतलब तुम्हारे फ़ोन पे ये टाइप हो के रहता है कि आई लव यू। तो देविका बोलती कि नहीं टाइप नहीं होता, नहीं हूँ, गलती से हो गया। तो राधिका स्माइल करते बोलती वही तो मैंने पूछा, गलती से मतलब तुम्हारे फ़ोन में हर किसी को ऐसे आई लव यू सो सो मच वाला टाइप होके रहता है। तो राधिका बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है वो, तो बस मैं तुम्हारे लिए, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको बोल रही थी बट आपको बुरा लगेगा इसीलिए मैंने नहीं बोला। तो जो हंसने वाला इमोजी होता है ना राधिका देवी का, कुछ साइन करती है, बोलती इट्स ओके एंड थैंक यू सो मच, और आपको पता है आप पहली हो जिसने मुझे विश किया। तो देवी का एकदम खुश हो जाती है, बोलती यस यस यस, और बोलती है कि थैंक यू। तो देवी का को राधिका बोलती है थैंक यू आप क्यों बोल रहे हो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने सबसे पहले जैसे ही 12 बजे मुझे आपने विश किया। तो दीपिका पूछती है क्यों आपके बॉयफ्रेंड ने आपको विश नहीं किया। तो ये सुन के राधिका एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि बॉयफ्रेंड वाली बात तो राधिका ने दीपिका को बताई ही नहीं होती, मतलब ये योर प्रिंसेस वाली आईडी पे। तो
बोलती है तुमको कैसे पता मेरा बॉयफ्रेंड है। तो देविका बोलती मुझे वो एकदम से घबरा जाती है, यार मैंने क्या बोल दिया ये इसको, मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए था, और मैं पागल हूँ क्या, गधी हूँ यार, मैं कुछ भी बोली जाती हूँ। और वो ऐसे सोचने लगती है, बोलती कि नहीं मैं तो जस्ट ऐसे बोली थी। तो वहाँ से सामने से राधिका एकदम शक भरी निगाह से बोलती है, बोलो तुम सच में कोई मेरी नॉन पर्सन हो ना, तुमको कैसे पता। तो बोलते कि मुझे कैसे पता, मैंने तो जस्ट ऐसे ही बोल दिया, क्यों सबके आपका सच में आपका बॉयफ्रेंड है। तो ये बात सुन के ना राधिका थोड़ी सी शॉक हो जाती है और थोड़ी सी पैनिक होकर बोलती कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो ये बोल के ना ये मैसेज ना राधिका सेंड कर देती है देविका को, बट राधिका को भी समझ नहीं आती कि उसने ये मैसेज उसको क्यों सेंड किया जबकि उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये मैसेज जैसे ही आता है ना देविका देखती है, वो एकदम खुश हो जाती है, बोलती कि क्या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर अमन मुझे पूछना चाहिए इस बारे में ऐसे। तो बोलते कि अच्छा इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो फिर भी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, सो सैड। तो राधिका सामने से मैसेज कहते क्यों, ब्यूटीफुल होना गुनाह है, ब्यूटीफुल हो तो बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है। तो देविका बोलती नहीं कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये चीज़ सुन के ना जैसे ही राधिका के पास ये मैसेज आता है, राधिका एक सेकेंड के लिए एकदम वो शॉक हो जाती है कि डायरेक्ट गर्लफ्रेंड वाली बात, जहाँ हर कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछता है, कोई लड़की पहली बार आई और उसको पूछ रही है कि गर्लफ्रेंड है, तो राधिका कुछ भी नहीं रिप्लाई देती। तो देविका बोलते यार मैंने ये क्या पूछ लिया, इसकी थोड़ी ना गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड तो मैं बनूंगी कल से, बट आज तो नहीं बना उसकी गर्लफ्रेंड, बेचारी कैसे आंसर देती है, मैं भी ना बुद्धू हूँ, ऐसे बोल के अपना ही सर को पीट लेती है और बोलती कि हे आई एम सॉरी सॉरी मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। तो राधिका बोलती है हाँ इट्स ओके। तो देविका बोलते कि आपका कुछ प्लान है कल का। तो राधिका बोलते प्लान 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 क्या होगा, घूमना फिरना ऐश करना है, फ्रेंड्स के साथ क्लब जाना है। तो देविका बोलती वाह यार क्लब एंड ऑल, मुझे भी बुलाओ ना। तो राधिका बोलती नोप। तो देविका बोलती कि क्यों, तो राधिका बोलती है नोप। तो देविका बोलती है क्यों, तो बोलते कि मुझे तो आप कैसे दिखती हो पता ही नहीं है, फिर मैं क्यों बुलाऊँ आपको क्लब। तो देविका बोलती यार बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ, एकदम क्यूट सी हूँ। तो राधिका बोलती फिर भेजो फिर पिक, मैं देखूँ कितनी खूबसूरत हो, फिर ना तुमको क्लब बुलाऊँगी। तो ये चीज़ सुन के देविका थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और बोलती है कि वो मुझे तो कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे क्लब आने का, और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुड नाइट, वैसे मुझे विश करनी थी मैंने विश कर दिया, चलो अब टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना बाय, ऐसे बोल के वहाँ से मतलब ऑफलाइन हो जाती है एकदम घबरा के, और बोलती यार बाल बाल बच गई, नहीं तो वो भी लड़की पिक मांगती तो मैं क्या भेजती, ऐसे सोच के वो खुद के सर पे ही मारते, बोलती तो कितनी डम है यार, कितनी कितनी ज़्यादा डम है। तो देवी के एकदम तो अपने फ़ोन को कोसती रहती है। तो राधिका बोलते कि स्ट्रेंज यार हेलो ऑफलाइन कैसे हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। बट देविका तो ऑफलाइन हो चुकी होती है, वो अपना अकाउंट स्वाइप कर चुकी होती है। तो राधिका बोलती कि क्या है यार ये इस लड़की में ऐसा क्या है जो, जबकि मैं रिलो में हूँ, मुझे बताना चाहिए ना इसको कि मैं रिलो में हूँ, बट मैंने इसको क्यों नहीं बताया, और ये लड़की ऐसे बात करती है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ यार इससे बात करने के लिए, क्या हो रहा है मुझे यार, आई लव अमन, मुझे उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, बट इस लड़की में कुछ तो बात है जो मुझे इसकी तरफ खींची ले जाती है। बट छोड़ो इट्स योर बर्थडे बेब्स, डोंट बी सैड, हमारा बॉयफ्रेंड बेचारा तो सो गए होंगे, तो कोई तो हमें विश करने वाला है नहीं, तो सो जाते हैं, ऐसे बोल के जैसे फ़ोन रखने ही वाली होती है ना देविका अपने रियल अकाउंट में जाती है व्हाट्सएप पे और बोलती कि हे राधिका सो गई क्या, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे जैसे टेक्स्ट आता है देविका का राधिका देखती है, बोलती एकदम क्यूट से स्माइल देती है, बोलती चलो कोई तो है जो मेरे लिए जगह है, ऐसे बोल के उसको थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, गुड नाइट टेक केयर, ऐसा बस रिप्लाई दे देती है। तो देविका बोलती है कि यार योर प्रिंसेस को इतना सारा रिप्लाई और मुझे इतना, बट छोड़ो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो मैं ही हूँ और कल की बात तो वो मेरी ही होगी, यार कल सुबह का तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी सुबह हो जाओ ना, ऐसे बोल के फ़ोन को किस करने लगती है, राधिका की फ़ोटो को किस करने लगती है। और देविका मतलब उसको ना इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो रात भर सोती ही नहीं है, और दूसरी तरफ हमारी जो राधिका है वो अमन के ख्यालों में गुम होकर सुबह सुबह उठ जाती है, सो के उठ जाती है और कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है, और एकदम वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और क्यूट सा हेयर स्टाइल किया होता है,
बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती, तो उसकी मम्मी पापा देख के बोलते कि हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, आज कॉलेज जा रही हो, आज घर पे रहो ना, शाम को तो वैसे भी पार्टी करने जाना है। तो राधिका बोलती नहीं नहीं मम्मा, असाइनमेंट सबमिट करना है, नहीं तो मैं पक्का घर पे रहती और मेरे फ्रेंड्स भी मेरा वेट कर रहे होंगे। तो बोलते कि बट पार्टी तो शाम को है ना। तो राधिका बोलती जाने दो ना मम्मा, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। तो उसके पापा बोलते हाँ हाँ बच्ची पढ़ाई कर रही है तो क्यों रोक रहे हो उसको। तो उसकी मम्मा बोलती पता है कितनी पढ़ाई करती है। तो देविका राधिका बोलती कि मम्मा इतनी पढ़ाई करती हूँ कि सेकंड पोजीशन आ जाता है मेरा, समझी ना। तो उसके मामा बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन तो तुम्हारा नहीं आता ना। तो राधिका बोलती है वो भी एक दिन आ जाएगी, देख लेना, जब तक मैं चाहूँ ना प्लीज़ 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 जाने दो ना। गुड बाय पापा, गुड बाय मम्मी, जाने जो आई लव यू सो मच, जैसे किस करके ना वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो अपना फ़ोन देखती है ना, अमन का मैसेज होता है कि आई लव यू माई स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे। तो वो कॉल लगा लेती है और स्पीकर पे रख देती है और ड्राइव करने लगती है। बोलती है कि मैसेज करते हैं गर्लफ्रेंड को। तो अमन बोलता है फिर क्या करते हैं। तो राधिका बोलते कि दूसरे बॉयफ्रेंड घर के नीचे आ जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए और आप एक मैसेज कर लिए, हो गया बस। तो अमन बोलते सॉरी 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 बेब्स, मैं पता है ना मैं ऑफिस में बिजी हूँ, तो प्लीज़ शाम को मिलते हैं, शाम को यार एक लव लव आला आइडिया पोस्टपोन करो ना, हम दोनों ही चलते हैं ना किसी रोमांटिक सी डेट पे। तो राधिका बोलती है नो, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया, मतलब तुमको आना ही पड़ेगा, और तुम अभी मिलो ना, हम दोनों चाहते हैं ना लंच पे, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, प्लीज़ 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 शानू प्लीज़। तो अमन बोलते यार मैं तुमको लंच टाइम तक आ जाऊँगा मिलने, ठीक है। तो हाँ राधिका ये सुन के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है यस 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 यही तो चाहिए था मुझे। तो अमन बोलते आई लव यू मैं स्टूपिड चाहिए। तो बोलते कि स्टूपिड नहीं हूँ मैं। तो उसका अमन बोलता है कि अरे यू आर द बेस्ट बेबी, यू आर द बेस्ट, यू आर द ऑसम, यू आर द लवली, यू आर द आई लव यू, आई लव, ऐसे कहता है। जब ना राधिका शर्मा जाती है, बोलते ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ, वेट करूँगी तुम्हारे लंच का। तो अमन बोलते तुम ऐसे शाई हो जाती हो ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राधिका बोलती बस 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 हाँ, और वो कार ड्राइव करके कॉलेज के लिए निकलने लगती है। दूसरी तरफ देविका पूरी रात नहीं सोई होती, क्या करेगी कैसे करेगी, और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है कॉलेज आते टाइम भी। तो पहले देविका राधिका आ जाती है कॉलेज और सब फ्रेंड्स से मिलते, सब उसको हैप्पी बर्थडे वगैरह कर दे, नेहा देखती है और वो भी विश करती है। तो राधिका बोलती है मेरी डार्लिंग नहीं है अभी तक। तो नेहा बोलती है नहीं आई, आ रही होगी, क्यों पूछ रही हो। तो बोलती कि ऐसे ही सारे फ्रेंड्स आ गए तो वो नहीं है इसलिए मैं पूछ ली बस। तो आप सब रेडी हो ना, और तुम्हारी बेस्टी आ रही है ना मेरे बर्थडे पार्टी पे। तो नेहा बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, उसको आने से पूछ लेना, और उसके नहीं आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ ऐसे बोल के तीर से निगाह से उसको देखती है। तो बोलती है कि तुम्हारे न आने से ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी डार्लिंग आनी चाहिए, समझी। ऐसे बोल के ना उसके ऐसे जो माथा होता है ना उस पर फिंगर रख के ऐसे पुश करती है। तो नेहा एकदम गुस्सा हो जाती है। उतनी देर में ना राधिका आ जाती है और राधिका को देख के नेहा रुक जाती है। राधिका इतनी ज़्यादा पैनिक होती है ना, वो चल भी नहीं पा रही होती, एकदम नर्वस होकर आ रही होती है। तो उसको देखे ना नेहा बोलते ही हाई ओके, किसी ने कुछ बोला। तो देविका बोलती कि नो 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 मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो राधिका भी देविका को देखती है, बोलती कि हे तुम पक्का ठीक हो ना, क्योंकि तुम ठीक नहीं लग रही हो, तबीयत ख़राब है क्या, हॉस्पिटल ले चले तुमको। तो राधिका को एकदम हकलाते हुए देविका बोलती कि नो आई एम फाइन बट लिटिल बिट नर्वस, ये उसके मुँह से निकल जाते। तो राधिका बोलती नर्वस बस किस लिए। तो राधिका अपने पीछे से बुके लेती है और राधिका देविका अपने पीछे से बुके लेती है और राधिका को देती है, बोलती कि नहीं बस ऐसे ही हैप्पी बर्थडे। तो जैसे वो बुके एकदम छोटा सा क्यूट सा ही बुके होता है जो मुट्ठी भर में आ जाए, रेड रोजेस का ही होता है। सो बोलती कि इसके लिए नर्वस हो रही थी। तो बोलती कि नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही। तो राधिका देविका को हक कर लेती, बोलती वाओ यू आर सो क्यूट माय क्यूटी पाई, ऐसे बोल के उसके चिक्स को खींचती है, उसके चिक्स पे किस कर लेती है। तो नेहा ऐसे देखे ना देविका को एकदम इशारे, बोलती वाह तूने तो चौका छक्का मार दिया एकदम से। तो राधिका उससे पीछे हटती है, बोलती है देखा मेरी फ्रेंड को देखो, उस मेरे लिए ना बुके लेके आई, भले छोटा लेके आई बट लेके आई, तुम बेशर्मो देखो मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आए। तो नेहा बोलती है कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है नहीं कि तुमको ना तोहफा दिया जाए। तो बोलती है कि हाँ तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है नेहा, बट
डोंट माइंड यार, मुझे ना तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप ऐसे बोल के ना वो राधिका को पकड़ के क्लास की तरफ ले जाके जा रही होती है। तो देविका ना एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक होती है, वो जब राधिका उसका हाथ पकड़ी होती है वो एकदम सिविर होती है, तो नेहा आती है उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि शोकी यार ऐसे क्यों रिएक्ट करी, इतना क्यों नर्वस हो रही है। तो देविका ना राधिका का हाथ छोड़ देती है, तो राधिका आगे आगे चली जाती है, तो वो पीछे रह जाती है देविका। तो नेहा बोलती है कि क्या हुआ, इतनी क्यों पैनिक हो रही है। तो देविका बोलती है यार आज का प्लान कैंसिल कर लेते हैं ना प्लीज़, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ना बोल दी तो। तो नेहा बोलती कि यार कभी ना कभी तो बोलेगी ना बेब्स, आज बोल देना। तो राधिका, तो देविका बोलती कि यार बट मुझे डर लग रहा है। तो नेहा बोलती कि तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, तू ना मुझसे बात ही मत करियो प्लीज़ 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 प्लीज़, तू तू आज अगर करना है कर, नहीं तो मुझे ना इस चीज़ में ऐड मत करना। तो नेहा यार प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसे देविका बोलती। तो देविका बोलती, तो नेहा बोलती यार और क्या बोलूँ तुझे, हाँ बैठ जा घर में, मासी बन जा, उसकी यही सलाह दो, देखा ना तुझे उसने अब कैसे किस करके थैंक यू बोला माय डार्लिंग, इतना वो हिंट दे रही है फिर भी तुझको समझ नहीं आ रहा है क्या। तो ये सुन के देविका थोड़ी सी कॉन्फिडेंट होती है, बोलती कि हाँ तू सच तो बोल रही है, हिंट तो मुझे दे रही है, बट यार तू श्योर है क्या वो हिंट ही है। तो नेहा बोलती है आई एम 110% श्योर ब्रो, तुझे प्रपोज करनी चाहिए यार। हाँ तो ना, ना तो ना, इतना क्या यार सोच रही है। तो देविका बोलती है कि यार मैं उसकी फ्रेंडशिप नहीं खो सकती ना। तो नेहा बोलती है कि यार कुछ नहीं होगा, कुछ तू बोल देगी तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तू बोल देना यार जो दिल में है बोल दे, कुछ नहीं होगा। तो देविका बोलती है पक्का ना। तो नेहा बोलती है 110% पक्का, अब तू मैं सोच चल क्लास करने जाते। इसे बोल के सारे फ्रेंड्स जाते हैं क्लास करने, क्लास स्टार्ट होता है, एक के बाद एक क्लास स्टार्ट होती जाती है और क्लास अटेंड करते जाते हैं। बट यहाँ हमारी देविका की हार्ट बीट एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, होती है कि वो शाम को क्या करेगी कैसे करेगी। और दूसरी तरफ हमारी जो राधिका है वो तो एकदम लवी डवी मोमेंट में होती है कि उसका बॉयफ्रेंड अमन आएगा, पार्टी करेंगे ये लोग, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा फर्स्ट टाइम क्लब में, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या देविका राधिका को प्रपोज़ कर लेती है और क्या प्रपोज़ करने के बाद रंग लाता है, क्या नेहा की बातें सच होती है या हो जाती है धूमधाना ना 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 ना। पर हाँ, तो आगे के एपिसोड चाहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एंड आई नो मैं आज बहुत शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट जैसे कि मैंने कमेंट में बोला था किसी को कि मुझे बुखार है, सो मेरा बुखार अब तक सही नहीं हुआ है, सो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया है। सो प्लीज़ आप लोग इतना से एपिसोड को एंजॉय कीजिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं दिल करिए तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यार कर ही दीजिए ना प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बीमार होकर भी, तो आप लोगों का भी तो थोड़ा फ़र्ज बनता है ना कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी दो। तो प्लीज़ माई डियर सब्सक्राइबर, और जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं भी किए प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।